असलम व्हील्स आज जो आपके लिए गाड़ी लेके आया है दिस इज़ मर्सडीज़ बैंस ई टू हंड्रेड जिसको डब्ल्यू टू इलेवन भी कहा जाता है डब्ल्यू टू इलेवन डब्ल्यू टू इलेवन इसका चेसी होता है और दिस इज़ टू थाउजेंड फोर मॉडल टू थाउजेंड नाइन की इम्पोर्ट है यू के इम्पोर्ट है और टू थाउजेंड नाइन में इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है और इस्लामाबाद का बड़ा अच्छा नंबर लगा हुआ है यू कैन से एन एक्स वन ओ वन वन ओ वन कहते हैं आईजी हाउस है, का नंबर है बाकी मुझे नहीं पता गाड़ी जो है इसका ट्रिम जो है वो एलिगेंस है एलिगेंस में इसके साथ क्रोम आया हुआ है क्रोम और वुडन ट्रिम है क्रोम क्रोम और वुडन ट्रिम के साथ साथ इस गाड़ी में आ, पार्किंग सेंसर्स हैं फ्रंट बैक इलेक्ट्रिक लेदर सीट्स हैं इसमें और सब और हेडलाइट शावर वाली गाड़ी है और आपको मैं गाड़ी के इंटीरियर का एक दफ़ा दिखा देता हूँ औरिजनल फ्लोर मैट्स अभी तक मौजूद हैं वुडन ट्रिम में हेडलाइनर कहीं से लटका हुआ नहीं है वो लोग कहते हैं जी इसके अंदर वो फ्रिज है या ये है ये, ये बेसिकली कूल बॉक्स होता है इसके अंदर जो पिछले एसी के वेंट्स होते हैं उसकी ठंडी हवा इसके अंदर आ, जा, आ जाती है तो वो आप जो अगर कोई चीज़ रखें तो वो हल्की सी वो मतलब उसका टम्परेचर ठीक रहता है तो गाड़ी का जी बॉनेट जू के इम्पोर्ट की जितनी मर्सिडीज़ आपको मिलेंगी उनके बॉनेट पेंट होंगे प्रियस जितनी मिलेंगी वो उनके बॉनेट पेंट होंगे सिल्वर कलर की गाड़ी है लासा का टर्किश और uh, टायर ढला हुआ है बहुत अच्छा टायर है इस गाड़ी का और इट्स जस्ट एज़ न्यू एज़ ब्रांड न्यू है जी और uh, ये हाई लोड वाला एक्स्ट्रा लोड अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ कहीं लिखा हुआ एक्स्ट्रा लोड एक्स्ट्रा लोड और पता नहीं टेम्परेचर समथिंग ए ग्रेड का कुछ होता है वो सीन है अच्छा बाकी चलते हैं जी ये पिछली लाइट्स जो हैं ये आपको काली काली इसलिए लग रही होंगी इनके ऊपर पेपर चढ़ा हुआ था और वो हमने उतारा है और उसकी वो स्लेश वहीं रह गई है तो वो हमने साफ करानी है बाकी ये बम्पर पे आपको क्रोम और क्रोम के नीचे पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे होंगे हम जाते हैं इसके ट्रंक की तरफ ट्रंक की तरफ जाते हैं ये इसके कॉशन का साइन बाकी इसके सारे कारपेट्स वगैरह इसके ये जो प्लास्टिक्स हैं वो सारे कम्प्लीट हैं इसमें मैंटेनेंस फ्री बैटरी डली हुई है स्टेपनी रेयर भी बाकी टूल्स वगैरह इसके सारे कम्प्लीट हैं अब जी राइट साइड देखें राइट साइड भी इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल कार ठीक है तो हम इसमें ये नहीं कह सकते ये चीज़ ख़राब है या ये चीज़ ठीक है कार इज़ इन एक्सीलेंट शेप और एक्सेलेंट कंडीशन बाकी इसकी ये रेयर सीट आ गई रेयर सीट के बाद मैं आपको यहाँ से इसके फ्रंट का डैशबोर्ड वगैरह दिखा देता हूँ और यहाँ से मैं आपको इसका छत दिखा देता हूँ ये ड्राइवर डोर वाली साइड आ गई जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इट्स फाइन इलेक्ट्रिक सीट्स बटन्स वगैरह सब कुछ इसके इंटैक्ट हैं और बॉनिड मैं जी अकेले कैसे खोलूँगा क्योंकि मैंने साथ मोबाइल भी पकड़ना है तो फिर भी चलें मैं आपको दिखा देता हूँ मर्सडीज आप जितनी देखने जाएँगे मोस्टली का इंजन भी गंदा होगा हमने इसका साफ़ कराना है डिटेलिंग वाले से टाइम भी लिया था लेकिन हम नहीं जा पाए आ, लेकिन इन जब भी ये गाड़ी हम जिसको देंगे डिलीवर करेंगे तो हम बहुत मुश्किल है जी खैर मैं मोबाइल रखता हूँ आपके लिए हमने ये भी कर दिया ये ये जी इसका इंजन भी है अ नॉन एक्सीडेंटल व्हीकल ठीक है और जो इसके ये जो शॉक्स हैं बोनट के ये शॉक्स जी वीक हैं ये हम आपको चेंज करा के देंगे इंजन आपको साफ करा के देंगे और ये रखते हैं हम बोनट गाड़ी का फ्रंट लुक है जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स 2004 थाउजेंड अप टोकन्स डेट आपको मिलेंगे स्मार्ट कार्ड ओरिजिनल है नंबर प्लेट्स ओरिजिनल पड़ी हुई हैं ये गाड़ी आपको मिलेगी बत्तीस लाख रुपए की 3.2 मिलियन रुपीस की जिसमें आजकल 2015-16 की नाइन जनरेशन जिसमें आजकल आपको दो की पंद्रह सौ पंद्रह मॉडल नाइन जनरेशन सिविक मिलती है या फिर बत्तीस लाख रुपये में आपको दो शायद सत्रह या अठारह आपको वन पॉइंट थ्री ऑटोमेटिक जी एल आई मिलती है और आप जी एल आई पर कहीं जाएँ तो वो आपको रेंटल की गाड़ी नज़र आएगी और जहाँ आप इस पर जाएंगे तो आपकी इज्जत अलग होगी तो खैर एनी वे इट्स नॉट नॉट हाई ऑन मेंटेनेंस मैंने इसके एक चिमटे का काम कराया था चिमटा चेंज करवाया था लेफ़्ट साइड का तो वो जो चिमटा है उसको मेरे ख्याल से कंट्रोल आर्म कहते हैं वो जो चिमटा है वो मुझे दो हज़ार रुपये का मिला था तो मर्सडीज़ महंगी नहीं है आप आपके मकैनिकों ने महंगी बनाई हुई है आप मर्सिडीज़ का काम कराने मर्सिडीज़ मकैनिक के पास जाएँ तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव तो खैर गाड़ी को विज़िट करने के लिए आप आई गेट फोर में आ सकते हैं और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है ज़ीरो ट्रिपल थ्री फाइव डबल जीरो फोर सिक्स फाइव एट मैं मेन वाइल दूसरी गाड़ी की वीडियो बनाता हूँ और वो भी आपको दिखाता हूँ डैट इज़ करोला एक्सल आई दो हज़ार सोलह की और उसकी भी प्राइस देखिएगा और मर्सडीज़ की देखिएगा तो विल से मर्सडीज़ इज़ बेटर ऑप्शन थैंक यू